इंडियन मार्केट में मारुति ऑल्टो एक पॉपुलर नाम है। हर किसी जगह में ऑल्टो को देखा जा सकता है। न्यू कस्टमर्स की पहली चॉइस बनती है मारुति ऑल्टो, लेकिन पाकिस्तान में भी ऑल्टो मौजूद है। हाँ, लेकिन इंडिया जितना पॉपुलर नहीं है। पाकिस्तान में आज तक का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है सुजुकी मेहरान। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपसे इंडियन ऑल्टो और पाकिस्तानी ऑल्टो का कंपैरिजन करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, वेरिएंट्स। वेरिएंट्स की बात करें तो इंडियन ऑल्टो में टोटल 4 वेरिएंट्स मिलता है, जैसे कि स्टैंडर्ड, LXi, VXi और VXi प्लस, और LXi में CNG ऑप्शन भी मिलता है। जबकि पाकिस्तानी ऑल्टो में टोटल 3 वेरिएंट्स मिलता है, जैसे कि VX, VXR और VXL। अगर लुक की बात करें तो इंडियन ऑल्टो में वही पुराना वाला लुक ही मिलेगा, लेकिन पाकिस्तानी ऑल्टो में न्यू फ्रेश लुक मिलेगा। लेकिन हाँ, पाकिस्तानी ऑल्टो में कंपनी फिटेड CNG ऑप्शन नहीं मिलता। नंबर टू, इंजन एंड ट्रांसमिशन। इंडियन ऑल्टो में वही पुराना वाला ट्राइड एंड टेस्टेड 3 सिलेंडर 800cc का पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 47 BHP का पावर और 69 Nm का टॉर्क पैदा करता है। जबकि पाकिस्तानी ऑल्टो में नया लुक के साथ साथ नया 660cc का 3 सिलेंडर 8 सीरीज पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 39 BHP का पावर और 56 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जो मारुति ऑल्टो के इंजन परफॉर्मेंस का मुकाबले बहुत पीछे है नहीं। ट्रांसमिशन की बात करें तो इंडियन ऑल्टो में सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है, लेकिन पाकिस्तानी ऑल्टो में मैनुअल के साथ साथ AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो इसके टॉप वेरिएंट VXL में मौजूद है। बाकी के लोअर वेरिएंट्स में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा। अगर ट्रांसमिशन की प्लेसिंग की बात करूं तो इंडियन ऑल्टो में नॉर्मल हाथों के लेवल में गियर बॉक्स का प्लेसिंग है, जबकि पाकिस्तानी ऑल्टो में गियर बॉक्स डैशबोर्ड पे माउंट है। माइलेज की बात करें तो हमारी ऑल्टो में पेट्रोल में 22.05 KMPL का और CNG में 31.59 किलोमीटर पर KG का माइलेज क्लेम किया जाता है, जबकि उनके ऑल्टो में पेट्रोल में 16-18 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कम है। नंबर थ्री, डायमेंशंस। डायमेंशंस की बात करें तो इंडियन ऑल्टो लेंथ में 50 mm ज्यादा है, विड्थ में 15 mm ज्यादा है, हाइट में 15 mm कम है, बूट में 52 L ज्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस में 10 mm कम है, व्हील बेस में 100 mm कम है। टायर साइज की बात करें तो 1 इंच छोटी टायर आपको इंडियन ऑल्टो में मिलेगी, जो कि है R12 विथ व्हील कवर्स, जबकि पाकिस्तानी ऑल्टो में 1 इंच बड़ी R13 टायर्स मिलेगी व्हील कवर्स के साथ। कार्ब वेट की बात करें तो इंडियन ऑल्टो का कार्ब वेट है 732-762 kg का, जबकि पाकिस्तानी ऑल्टो का कार्ब वेट है 650-670 kg। अब डायमेंशंस को अगर कंपेयर करें तो हमारी ऑल्टो लेंथ, विड्थ, बूट और कार्ब वेट के मामले में आगे है, जबकि उनकी ऑल्टो हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस, व्हील बेस और टायर साइज में आगे है। नंबर फोर, कंफर्ट फीचर्स। इंडियन ऑल्टो में कंफर्ट फीचर्स के नाम पर मिलता है फ्रंट पावर विंडोज, पावर स्टीयरिंग, मैनुअल AC विथ हीटर, सेंट्रल डोर लॉक, रिमोट कीलेस एंट्री, 7-inch स्मार्ट प्ले स्टूडियो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फ्रंट 2 स्पीकर्स, फ्रंट एंड रियर बोतल होल्डर्स और ड्यूअल टोन इंटीरियर्स। जबकि पाकिस्तानी ऑल्टो में कंफर्ट फीचर्स के नाम पर मिलता है रिमोट कीलेस एंट्री, मैनुअल AC विथ हीटर, टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम, सेंट्रल डोर लॉक, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज। हमारी ऑल्टो में सिर्फ फ्रंट में ही पावर विंडोज मिलती है। पावर स्टीयरिंग, 2 फ्रंट स्पीकर्स, फ्रंट एंड रियर ड्रिंक होल्डर्स, ड्यूअल टोन इंटीरियर और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल वार्ड फ्रेम्स। हमारे इंडियन ऑल्टो में सिर्फ मैनुअली एडजस्टेबल वार्ड फ्रेम्स मिलता है। तो कंफर्ट फीचर्स का मामले में दोनों ही ऑल्टो में लगभग एक जैसे ही फीचर्स दिए गए हैं। हाँ, 2 फीचर्स एक्स्ट्रा है, जो कि है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल वार्ड फ्रेम्स और दूसरी है फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज। मतलब अगर कंपेयर करें कंफर्ट फीचर्स को तो पाकिस्तानी ऑल्टो थोड़ा बहुत आगे है इंडियन ऑल्टो के मुकाबले। नंबर फाइव, सेफ्टी फीचर्स। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इंडियन ऑल्टो में मौजूद है रियर डोर चाइल्ड लॉक्स, ABS विथ EBD, डुअल फ्रंट एयरबैग्स, हाई स्पीड अलर्ट, ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर और रियर पार्किंग सेंसर्स। जबकि पाकिस्तानी ऑल्टो में सेफ्टी फीचर्स के नाम पर मिलता है
ड्यूएल एयरबैग्स एबीएस विथ ईबीडी फ्रंट सीट बेल्ट विथ फोर्स लिमिटर और रियर डोर चाइल्ड लॉक्स। तो सेफ्टी फीचर वाइज आप देख सकते हो हमारे ऑल्टो में ज्यादा सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए जाते हैं कंपेयर टू पाकिस्तानी ऑल्टो। नंबर 6 स्टैंडर्ड वारंटी। स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो इंडिया में मारुति ऑल्टो में सिर्फ 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर की ही स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर किया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी ऑल्टो इस मामले में बेहतर है। उनके ऑल्टो में 3 साल या फिर 60,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर किए जाते हैं, जो बेहतर है इंडियन ऑल्टो से। नंबर 7 प्राइसिंग। तो लास्ट में प्राइसिंग की बात करें तो इंडियन ऑल्टो का प्राइस स्टार्ट होता है 2.99 लाख से और जाता है 4.60 लाख तक, जबकि पाकिस्तानी ऑल्टो का प्राइस इंडियन करेंसी के हिसाब से स्टार्ट होता है 5.62 लाख से और जाता है 7.66 लाख तक। तो प्राइसिंग में आप देख सकते हो दोनों ही ऑल्टो में कितना ज्यादा डिफरेंस मौजूद है। 5.5 से लगभग 8 लाख के प्राइस सेगमेंट में हमारे इंडिया में आपको मिल जाएगा इग्निस, स्विफ्ट, मैग्नाइट, काइगर, नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट जैसे गाड़ी, लेकिन पाकिस्तान में मिलेगा आपको सिर्फ ऑल्टो इसी प्राइस रेंज में। नंबर 8 कॉन्क्लूजन। तो देखो भाई लोग, दोनों ही मॉडल्स अपने अपने जगह ठीक है। पाकिस्तानी रूपी इंडियन रूपी के मुकाबले बहुत कमजोर है। इसके अलावा पाकिस्तानी सरकार बहुत सारे टैक्सेस भी लेती है नई कार पे, इसीलिए पाकिस्तानी ऑल्टो इंडियन ऑल्टो से महंगी है। लेकिन हाँ, पाकिस्तानी ऑल्टो में न्यू इंजन के साथ साथ नया और फ्रेश लुक जरूर मिलता है, जो हमारे इंडियन ऑल्टो में फिलहाल अभी नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।